ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। नालंदा में सुहागनों ने पूरी श्रद्धा भाव के साथ वट सावित्री का व्रत रख वट वृक्ष की पूजा की और पति की लंबी आयु की कामना की। ऐसी मान्यता है कि सावित्री के पति राजा सत्यवान को श्राप था कि शादी के बाद उनकी मौत हो जाएगी। उसी के कारण शादी के बाद राजा सत्यवान की मौत हो गई। मौत के बाद सती सावित्री ने पति धर्म को निभाते हुए धर्म और पुण्य के रास्ते पर चलकर भगवान यमराज से अपने पति के प्राण लौटा दिए थे। भगवान यमराज ने सती सावित्री के पुण्य धर्म से प्रभावित होकर 100 संतानों का आशीर्वाद भी दिया था। इस पौराणिक घटना के बाद विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और युवती होने वाले पति के लिए हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पूरे विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा कर रही है। व्रत कहा गया वट का वृक्ष के नजदीक सावित्री नाम की जो स्त्री थी वह सत्यवान के लिए जमराज से वरदान प्राप्त करके अपने सत्य बल पर निष्ठा के आधार पर वह विजय प्राप्त की। इसीलिए जो भी महिलाएं अखंड स्वभाव चाहती है वो आज के दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन यह वट सावित्री का व्रत किया जाता है और इसी दिन महिलाएं इस व्रत को करती है और अखंड स्वभाव की कामना करती है। हमारे भारतीय समाज में इस पूजा का बहुत महत्व है। सारी औरतें महिलाएं सब इस पूजा को करती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए, ताकि उनकी उम्र लंबी हो, इसलिए इस व्रत को किया जाता है और काफ़ी श्रद्धा और विश्वास से सारी महिलाएं इस व्रत को कर रही हैं, पूजा सब कर रही हैं। अभी न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।